हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम दिस सीरीज़। आज हम अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं बोट के इस बायर्ड ईयरफोन का, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया है। चलिए जल्दी से इसकी बॉक्स पैकिंग को ओपन कर लेते हैं और बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। ये वायर्ड ईयरफोन कुछ इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोट की ब्रांडिंग दी हुई इस बॉक्स पर। काफ़ी कॉम्पैक्ट सी इसकी बॉक्स पैकेजिंग है और कार्तिक आर्यन का यहाँ पर फोटो बना हुआ है, उनके सिग्नेचर भी दिए हुए हैं। कार्तिक आर्यन ने इस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया है, तो इसकी फ़ोटो बनी हुई है और कुछ डिटेल मेंशन की हुई इस ईयरफोन के बारे में। तो चलिए इस बॉक्स पैक को हम जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं मेन प्रोडक्ट को। ये ईयरफोन आपको फ्लिपकार्ट पे 550 रुपये के आसपास पड़ जाएगी और इसका बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर हमें एक वारंटी कार्ड मिला है जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल भी मेंशन की है और साफ साफ लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट की 1 साल की वारंटी है। और पीछे की तरफ देखें तो कार्तिक आर्यन, जो कि इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है और कुछ कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। बात करते हैं मेन प्रोडक्ट की। जैसा आप देख सकते हैं ये वायर्ड ईयरफोन है, इसमें 10mm का ड्राइवर लगा हुआ है, जो कि आपको बहुत क्लियर बेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिले हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग कलर में भी हैं और अलग अलग साइज़ में भी हैं। एक ये मुझे प्लग मिला हुआ है जिसे मैं अटैच कर सकता हूँ इस केबल में, ताकि ये केबल एक जगह से दूसरी जगह हिले ना, वहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। और ये कुछ एक्सटेंशन दे रखे हैं जो मैं अपनी सुविधा के अनुसार चेंज कर सकता हूँ कुछ ईयर टिप्स के साथ में, देख सकते हैं यहाँ पर 2 ईयर टिप्स के साथ में। अब चलिए इन्हें साइड में रखते हैं, बात करते हैं इस ईयरफोन की। इस ईयरफोन की अगर बात करें तो यहाँ पर मुझे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा साइज़ है इनका। और इनकी अगर बात करें लुक एंड फील की, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं देखने में इनको। यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो आपको अलग ही प्रीमियम फील होगा। और आगे की साइड देखें, इनमें बोट की ब्रांडिंग दी हुई है और लेफ्ट और राइट की मार्किंग की हुई है। इसकी केबल क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है और ये केबल टेंगल फ्री है, आपको एक टेंगल फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पर ये आपको माइक्रोफोन दिया है वॉइस इनपुट के लिए, और इस पर भी बोट की ब्रांडिंग की हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देती है आपको। और इसी माइक्रोफोन में जो बोट लिखा हुआ है, यहाँ पर बटन है, इसे प्रेस करते से ही आप कॉल को एंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, साथ ही मीडिया का कंट्रोल भी आप इसी से कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े और नीचे आएंगे तो आपको एक अटैचमेंट मिलेगा, ये इस अटैचमेंट पर बोट की ब्रांडिंग दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पीछे की साइड इस पर लिखा हुआ है प्लग इनटू निर्वाणा, जो कि इनका एक टैगलाइन है बोट की कंपनी की, और आगे बोट की ब्रांडिंग दी हुई है। काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है यहाँ पर, और इसको लेफ्ट और राइट में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी केबल लेंथ की, तो यहाँ पर आपको केबल लेंथ 1.5 मीटर की मिल जाएगी, जो कि नॉर्मल ईयरफोन में आती है और ये सफिशियंट है आपके लिए। आपका फ़ोन अगर पॉकेट में रखा हुआ है तो आपके ईयर तक आसानी से पहुँच जाएगा। और ये 3.mm जैक दिया हुआ है, जो कि आजकल किसी भी डिवाइस में आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर डिवाइस में आपको ये 3.5mm जैक देखने को मिलेगा, जो इजीली आप किसी भी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप के साथ यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की ईयरफोन है। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल रिव्यू देता हूँ कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं इसका साउंड टेस्ट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। और मैंने इस ईयरफोन को 2 से 3 घंटे यूज़ किया, और इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी क्लियर साउंड क्वालिटी इसकी
बेस काफ़ी रिच है जो कि इंडियन यूज़र्स को बहुत पसंद आता है, और जो क्लियरिटी है वोकल्स हैं मिड और जो लोज़ हैं वो बहुत ही क्लियर सुनाई देते हैं इसमें। ये इस प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू पर काफ़ी अच्छी ईयरफोन है, आप बिल्कुल ख़रीद सकते हैं। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इसको 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देता हूं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।